पुंछ के बफलियास इलाके में पेश आए इस सड़क हादसे में 6 अफराद लुकमाचल बन गए जबकि दिगर 8 अफराद शदीद जख्मी हुए। बारातियों से भरी सुमो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होके 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस और मुकामी लोग जाए मौका पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। तमाम डॉक्टरों ने 6 अफराद को मुर्दा करार दिया। मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर में 24 अफराद की जाने तल्फ। जनवरी से अब तक तशद्दुद आमेज वाकात में 58 अफराद मारे गए, 41 जंगजू शामिल। मार्च में मारे गए अफराद में 3 पंचायती नुमाइंदगान, 4 आम शहरी, 2 पुलिस एहलकार, 1 सिपाही और 1 फौजी शामिल। इसी दौरान 2 गैर मुकामी जंगजुओं समेत 13 अस्करत पसंद भी मारे गए। रवां बरस अब तक 58 अफराद हलाक हुए। जनवरी में 23, फरवरी में 11, मार्च के महीने में 24 हलाकते हुई। चौबीस घंटों में गरमाई दारुलहुकूमत श्रीनगर में आतिशबाजी की 3 बड़ी वारदातें। नूरबाग श्रीनगर में आग की एक और भयानक वारदात में 22 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर। करोड़ों का मालो असबाब राख में तब्दील, 30 से जायद कुंबे अपने आशियानों से महरूम। नूरबाग में बुध और जुमरात की दरमियानी रात आतिशबाजी की वारदात शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आई। आग पर काबू पाने के दौरान एक फायर फाइटर समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुंछ के सावजिया इलाके में 3 मंजिला मकान समेत 4 रिहायशी घर खाकस्तर हो गए। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बंद पड़ी कम तनख्वाहों से आरसी मुलाजमीन परेशान हाल। सरकार के पास मुस्तकिली की कोई पॉलिसी नहीं, श्रीनगर और जम्मू में मुलाजमीन के एहतजाज दर एहतजाज। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आरजी मुलाजमों की एक बड़ी तादाद हुकूमत के खिलाफ यकजुबा एहतजाजियों के सड़कों पर उतर आने से लाल चौक में ट्रैफिक की नकल व हमल मुतासिर। पुलिस ने एहतजाजी मुलाजमों के चंद लीडरों को हिरासत में लिया लेकिन एहतजाज जारी रहे। सीनियर शहरियों को इलाज व दवा ही नहीं बल्कि इनकी पूरी तरह से देखभाल की जाएगी। मेडिकल एजुकेशन महकमा जिला में बुजुर्ग अफराद की देखभाल के लिए तिबी सहूलियात फराहम कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाएंगी। 10 बिस्तरों पर मुश्तमल जदीद तरीन तिबी सहूलियात से लेस मराकज का इफ्तिताह करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, बुजुर्ग अफराद की देखभाल के लिए जिला में 10 बिस्तरों की सहूलियात दस्तियाब कराई है। एम्स की मदद से 48 डॉक्टरों और नर्सों को तरबियत भी दी गयी।